Good morning, student. Today I am going to start chapter 4. Once again, okay? Exercise 4.4. बच्चों, it is very simple exercise. कितने बच्चों को आता है ये? Yes, सभी बच्चों को आता है ना? आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको tables पढ़ने हैं. सब बच्चों को tables याद हैं? Yes, now start. क्या करना है? 5 का टेबल रीड करिए. पढ़िए 5 का टेबल. कितने टाइम्स पढ़ना है? 2 टाइम्स. यस, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10. सो प्रोडक्ट 10. ओके, 5 टू जा 10. 7 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ेंगे आप लोग? 4 टाइम्स. 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21 एंड 7 फोर जा 28. ओके, तो क्या आंसर है यहाँ पे? यस, 28. इसी प्रकार से आपको 6 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ना है और जो प्रोडक्ट आता है उसे यहाँ पर लिखना है. ओके, 9 का टेबल 6 टाइम्स. बच्चों, चाहे 9 का टेबल 6 टाइम्स पढ़े या 6 का टेबल 9 टाइम्स, आंसर इज नो चेंज, आंसर इज सेम. ओके, 6 5 जा 30 और 5 6 जा भी 30 होता है ना. तो क्या है कि जो नंबर्स है, नंबर्स जो है जब चेंज कर देंगे तो उनके आंसर हमारे चेंज नहीं होते हैं. ओके, केवल प्लेस चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होते हैं, आंसर हमेशा सेम आते हैं. जैसे 4 का मल्टीप्लाई 3 में करें या 3 का मल्टीप्लाई 4 में करें तो आंसर क्या आएगा? 12. ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7. 5 इंटू 3 यानी 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3, आंसर क्या आएगा? यस, आपको 3 का टेबल आते हैं. अब तो आप सभी को जो है 20 तक टेबल लर्न होना चाहिए और आप रेगुलर टेबल्स लर्न करेंगे. ओके, सभी की कॉपी में टेबल्स 2 से 20 तक लिखे होने चाहिए और 20 तक लर्न होने चाहिए, क्योंकि जब आपको टेबल्स लर्न होंगे तभी आप क्वेश्चन मल्टीप्लाई और डिवीज़न सॉल्व कर पाएंगे. ओके बच्चों, यस, तो बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं? यस, अब आप अपने इस वर्क को अपने नोटबुक में नीट एंड क्लीन करेंगे और डेट मेंशन करेंगे. ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.